हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको काफी अच्छा लर्निंग लेसन मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह साइकोलॉजी के साथ काम किया जा सकता है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपको रेगुलर वैसे कंटेंट मिलते रहते हैं, जैसे मैंने आपकी आज की वीडियो आपके लिए पोस्ट किया था कि मार्केट में कैसे सेंटीमेंट होगा, किस तरह इसमें मोमेंटम रह सकती है। अगर आपने देखा होगा तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, मार्केट सीधा ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया। और ये जो मूव था बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, इसको मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे पोस्ट किया था। लेकिन उसके साथ ही मैंने नेक्स्ट आपके लिए पोस्ट किया था कि अगेन एट रेजिस्टेंस लेवल पे है, यहाँ आपको देखना होगा 7:29 पे किया था। उसके बाद में थ्रू आउट मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है। हम इसके लिए भी देखेंगे। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसमें एक लाइक एक बार इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम चार्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये थ्रू आउट जो ऊपर से ये अगर आप देख रहे हैं, लगातार नीचे डाउन ट्रेंड में था मार्केट, और उसके बाद एक सडन मूव होता है अपसाइड के लिए। उसके बाद हमें सिंपल एक ही रूल अप्लाई करना होता है कि हमें देखना होता है कि मार्केट में नेगेटिव कैंडल किस तरफ बन रही है, और वो नेगेटिव कैंडल ही हमारे लिए जबरदस्त रिवर्सल का काम करती है। और इन केस वो रेजिस्टेंस के पास बनती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा मूव करती है। जब भी मार्केट इतना जबरदस्त मूव दिखाता है, अगर आप एक ही कैंडल का देखते हैं, 75,400 के आसपास से सीधा ही ऊपर निकल जाता 2,000 पॉइंट का, और उसके बाद में सडनली डाउन मूव भी ये आया है। ये सडन डाउन मूव नहीं है, मैंने आपको जो पोस्ट किया था टेलीग्राम में उसके बाद अगर आप देखे होंगे तो वहां से आपको लगभग 800 पॉइंट मिल चुके हैं। तो ऐसे मूव मिलते रहते हैं। वी आर ट्रेडर्स, हमें सबसे पहले ये मानना होगा कि हम कौन है, हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं। उस तरह से हमें अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि मार्केट कि जब भी इतना जबरदस्त मूव करे, नीचे से ऊपर करे या ऊपर से नीचे करे, उसके बाद में उसके अगेंस्ट अगर हमें दिखता है कि कुछ रिवर्सल मिल रहा है और वो कहीं सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो हमें वहां पे थोड़ा रिस्क लेना बनता है। अब जैसे यहां आप देख रहे हैं मार्केट में जो हमने एनालिसिस किया था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो हार्डली मार्केट 76,000 तक जा सकता है अगर ये 75,600 को ऊपर निकालता है। लेकिन ये थ्रू आउट मूव निकलता है और आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिला हुआ। जिन्होंने यह पोजीशन बना रखी है उनके लिए तो बहुत अच्छा मूव था। अगर उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक इतने 2000 मूव के बाद नहीं किया तो उनके लिए प्रॉब्लम है। जैसा कि हमारा रूल रहता है कि हम इसमें जब भी एंट्री करते हैं हमारे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते हुए ऊपर तक गया होगा और अभी इसने हिट भी कर दिया होगा। इनकेस जो नेगेटिव साइड के लिए थे, जिसके लिए मैंने पोस्ट किया था, अगर आपने एंट्री किया होगा तो आपको बहुत अच्छा मूव यहाँ पे मिल चुका है। 500-600 पॉइंट का मूव मिल चुका है। एटलीस्ट आप यहाँ पे 50% से ज्यादा क्वांटिटी अपनी बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट दोबारा से उसी लेवल पे आगे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं कि 4 आवर सेटअप में क्या बनता हुआ दिख रहा है। अब दोबारा से इसको 76,000 का जो लेवल था, जिसको इसने ब्रेकआउट किया था, ये लेवल इसके लिए अगेन एक सपोर्ट का काम करने वाला है। इसके लिए 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे मार्केट रिएक्ट नहीं करता, उससे थोड़ा ऊपर या फिर नीचे रिएक्ट करता है। अब 4 आवर सेटअप में हम यहाँ पे फ्रेंड देख रहे हैं तो जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं कहीं ना कहीं आपको कुछ लर्निंग देते होंगे अगर आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। तो देखिए आप धीरे धीरे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट सडन मूव करता है और यहाँ आपको बहुत अच्छा मूव भी मिल जाता है, जो कि होप पे ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अब उसके बाद में यहाँ रिवर्सल आता आता मार्केट देख रहे हैं 77,400 से लगभग 1,000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम कर चुका है डाउन साइड के लिए। तो आप डेफिनेटली यहाँ प्रॉफिट अपना बुक करिए और कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने उसमें देखने का प्रयास करिए। अभी हम इसमें नेक्स्ट उसमें अगर आप देखते हैं तो मार्केट के लिए जो सेंटीमेंट्स हैं, 76,000 का लेवल अगेन एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट को जब इसने डाउन ट्रेंड में था अभी इसके लिए ऊपर निकल रहा है तो इसके लिए सपोर्ट का काम यहाँ पे होने वाला है। जब मार्केट इसके नीचे ही जाएगा तभी ये दोबारा से जो रेंज है, ट्रेंड लाइन है, सारी इसके लिए काम करने वाली है। लेकिन ऐसे मूव हमें कभी कभी मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली हमें उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते रहे होंगे। तो जब भी आपको मार्केट में होप बेस्ड ट्रेडिंग करनी हो तो आप कुछ ना कुछ अपना पोजिशन उस बेस से डिसाइड करिए कि आप होप में हैं तो आपको मार्केट कभी देगा कभी लेगा, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।